हाँ तो भाई, साल खत्म हो चुका है, तो आपको और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत बधाई। और 2023 में इंडियन सिनेमा में बहुत सी जबरदस्त मूवीज आई थी जो हमें काफी सारे एस्पेक्ट में इम्प्रेस करने में सफल रही। तो आज मैं 2023 की 10 इंडियन फिल्में बताने जा रहा हूँ जो कि बेस्ट थी, और ये वीडियो कोई कंपेरिजन नहीं है, सो एंजॉय द वीडियो। एनिमल, ये फिल्म रणबीर कपूर और संदीप वांगा की करियर की सबसे वायलेंट फिल्म है जो हमें बॉलीवुड में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। इस फिल्म के एक्शन एकदम टॉप नॉच थे, पर स्टोरी वाइज इसकी स्टोरी ज्यादा खास नहीं थी, पर रणबीर कपूर और बॉबी देओल की एक्टिंग ने सबको शॉक करके रख दिया था। जिगर ठंडा डबल एक्स, ये फिल्म तमिल सिनेमा की तरफ से 2014 की जिगर ठंडा का प्रीक्वल है, मगर इसकी स्टोरी इस बार एक फॉरेस्ट के अराउंड घूमती है जहाँ के पेड़ों को काटा और एनिमल्स को मारा जा रहा है। राघव लॉरेंस का परफॉर्मेंस इसमें बहुत जबरदस्त था। भीड़, कोविड के दौरान हम सब घरों में बंद थे, लोगों के काम बंद हो चुके थे, वहीं दूसरे स्टेट से आए हुए माइग्रेंट्स का हाल बहुत बुरा था। लोगों के पास खाने के लिए राशन तक नहीं था, जिस वजह से वो पैदल ही अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। लोग ट्रकों में सीमेंट मिक्सर तक में छुप छुप के अपने घर भाग रहे थे। मूवी काफी ज्यादा अच्छी है। 2018, ये फिल्म 2018 की ट्रेजिक केरला फ्लड की है जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए थे और कई लोगों की जाने गई थी। मूवी की स्टोरी और सिनेमेटोग्राफी बहुत जबरदस्त है। सत्य प्रेम की कथा, ये फिल्म हम सभी के लिए एक सरप्राइज थी। आमतौर पर लोग कार्तिक आर्यन की फिल्मों में कॉमेडी होने की उम्मीद रखते हैं, मगर ये फिल्म हमें तब शॉक कर देती है जब पता चलता है कि कियारा आडवाणी का कैरेक्टर इसमें एक रेप विक्टिम है। मूवी में दोनों एक्टर्स की एक्टिंग कमाल की थी। OMG 2, ये फिल्म 2012 के OMG का सीक्वल है जो इस बार सेक्स एजुकेशन के टॉपिक को एक्सप्लोर करती है और समझाती है कि एजुकेशन सिस्टम में सेक्स एजुकेशन का रोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। डंकी, ये फिल्म SRK की इस साल की तीसरी फिल्म है, मगर नो डाउट कि ये जवान और पठान से काफी ज्यादा अच्छी है। इस फिल्म की स्टोरी डोंकी पाथ की है जो कि तब लिया जाता है जब किसी कंट्री में इलीगली घुसना हो। मूवी में सभी एक्टर्स ने जबरदस्त काम किया है, मगर विकी कौशल का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा स्टैंड आउट किया है। सिर्फ एक बंदा काफी है, ये फिल्म एक रेप विक्टिम की है जो कि एक टीनेजर है जिसे एक ढोंगी बाबा के द्वारा असॉल्ट किया गया है, और लड़की की तरफ से एक लॉयर उसका केस लड़ता है जिसका कैरेक्टर मनोज बाजपाई सर ने किया है। 12th फेल, ये एक 12th में फेल हुए ऐसे लड़के की कहानी है जिसे आगे चलकर IPS बनना है। मूवी में जो मनोज शर्मा का स्ट्रगल दिखाया गया है, आप कई बार इमोशनल हो जाओगे उसे देखकर। और विक्रांत मेसी, इस बंदे ने जो एक्टिंग करी है इस मूवी में, एकदम खतरनाक। जोरम, ये फिल्म एक आदिवासी पति पत्नी की स्टोरी है जो गांव में रहते थे, लेकिन किसी वजह से उन्हें मुंबई आना पड़ता है जहां वो मजदूरी करते हैं, और उनकी एक 3 महीने की बेटी भी है। और फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट, उसकी बीवी को किसी ने उल्टा लटका कर मार डाला है और उसे भी मारना चाहता है, और पुलिस उसे ही ढूंढ रही है और कई केस उसी पर डाल दिए जाते हैं। मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है मनोज सर की एक्टिंग। तो होप करता हूँ कि लिस्ट पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।